हेलो माय टू फैमिली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल की और वाचिंग टेक्निकल क्लेवर राज। यार कैसे आप लोग, मेरा नाम है राज। मैं एक और वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले वाईटी स्टूडियो में दो दिन पहले कुछ अपडेट हुआ था ग्राफ को लेकर। अलग अलग तरीके से ग्राफ आप देख सकते थे, कितने व्यू आए हैं, कितना आपका डॉलर बना है, कितने आपके इंप्रेशन बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं आज के इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। क्योंकि पहले क्या था, वाईटी स्टूडियो बहुत सिंपल था, लेकिन अब यहाँ पर ना थोड़ा सा टफ हो गया ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि मुझे मेरे कुछ व्यूअर बता रहे थे। तो मैं आपको अच्छे तरीके से यहां पर एक एक चीज के बारे में, वाईटी स्टूडियो के बारे में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप यहां पर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। अगर कोई गलती किया है तो आप उस ग्राफ को देखकर समझ जाओगे। तो मैं लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों सब्सक्राइब किया करो। ऐसी जेन्युइन वीडियो आपका भाई आप लोगों के लिए लेकर आता रहता है दोस्तों। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों सीधा मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आपको लेकर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले दो तीन चीज़ें याद रखना आप लोग। अगर आपके वाईटी स्टूडियो में अपडेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप वाईटी स्टूडियो को अपडेट करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया है, अभी मैंने अपने सिस्टर का चैनल ओपन किया है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर सिंपल तरीके से जैसे पहले आता था वैसे ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आप नीचे करते हो तो यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो के रैंकिंग देख पाओगे, उसके बाद नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर कमेंट्स देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू मोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अर्निंग सब दिख रहा है। लेकिन जैसे आप व्यू मोड क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। आप यहां पर देख सकते हो ओवरव्यू, ठीक है। तो यहां पर आप व्यू देख सकते हो कि आपके वीडियोस पर कितने व्यू आए हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही आप ग्राफ पर क्लिक करते हो तो आप यहां से 28 लास्ट डे में कितने व्यू आए, तो यहां पर आप देख सकते हो 24,590 व्यू आए। लेकिन अगर आपको आपको पूरा देखना है जब से आपने चैनल स्टार्ट किया है तो आप यहां पर 365 डेज पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कितने व्यू आए, 232,118, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ चेक कर सकते हो, अपने व्यू चेक कर सकते हो। और जैसे ही मैं बैक जाता हूं यहां पर तो आप देख सकते हो रियल टाइम व्यू नीचे आ रहा है, कि मतलब जो 48 घंटे पे जो व्यू आता है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, शो हो रहा है, नजर हो रहा है। और यहाँ पर टॉप वीडियोस दिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप वीडियोस। और उसके बाद यहाँ पर भी नीचे आपको टॉप वीडियोस दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा टॉप वीडियोस पर किस पर व्यू आए। यहाँ पर आपकी टॉप वीडियो दिखा रहा है जिस पर रोज व्यू आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको वो व्यू दिखा रहा है जिस पर सबसे ज्यादा व्यू आए वीडियोस पर, ठीक है, जो टॉप अभी लेटेस्ट जो वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको मैं ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर इस साइड करता हूं, तो यहां पर आप ग्राफ लेफ्ट साइड में मैंने जब किया तो यहां पर आप वॉच टाइम देख सकते हो अपने वीडियोस का, ठीक है। जैसे मैं ग्राफ पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप 28 डेज में आपका जो ग्राफ मतलब वॉच टाइम जो मिला आपको यहां पर मिला है 794 घंटे का वॉच टाइम मिला आपको। अगर आप लास्ट 35 डे में देखना चाहते हो तो लास्ट 35 डे में आप कर सकते हो, यहां पर 8,257 दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप चेंज कर करके देख सकते हो। वैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट करता हूं तो यहां पर आप सब्सक्राइब देख सकते हो, मतलब एक महीने के अंदर में सब्सक्राइबर कितने मिल रहे हैं, तो 200 के करीब सब्सक्राइबर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं वापस यहां से लेफ्ट करता हूं तो यहां पर जो अर्निंग है वो भी यहां पर दिखा रहा है, मतलब 17 अगस्त से यहां पर नीचे आपको दिखा रहा है डेट, 17 अगस्त से 12 अगस्त तक के बीच में जो है यहां पर इतने डॉलर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो, आपको सिंपल तरीके से यहां पर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप जैसे ही आप रिच पर जाते हो तो रिच पर यहां पर कहने का मतलब है आपकी वीडियोस का जो इंप्रेशन भेजा गया है वो 3,05,000 के करीब इंप्रेशन भेजा गया आपकी वीडियोस का। और जैसे ही आप ग्राफ पे क्लिक करते हो तो आप लास्ट 365 चेक कर सकते हो डेज में। जैसे चेक क्लिक करता हूँ मैं इस पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3,97,459, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इतने लोगों के पास यूट्यूब ने आपकी वीडियोस का इंप्रेशन भेजा है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लास्ट 28 डेज में दिखा रहा है आपको। उसके बाद थोड़ा सा बैक करते हैं, रिच को मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर रिच में भी आप सेम तरीके से आप रिच पर जब क्लिक करते हो तो इंप्रेशन देख सकते हो। उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा लेफ्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि यहाँ पर जो आपका थंबनेल कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर 6.2% थंबनेल जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसको कहते हैं CTR, ठीक है। तो थंबनेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आते तो यहाँ पर रिच पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू, यहाँ पर आप व्यू भी देख सकते हो अपने वीडियोज़ का, ठीक है दोस्तों। जो आपको 17 अगस्त से 13 सितंबर तक, यानी कि एक महीने के अंदर कितना व्यू आए वो आपको दिखाता है। उसका थोड़ा सा हम
वापस यहाँ पर जाते हैं तो यूनिक व्यूवर्स, ठीक है, लेफ्ट साइड में मैं जब करता हूँ तो यहाँ पे यूनिक व्यूवर्स का मतलब क्या होता है, जो नए नए आपके चैनल पर व्यूवर आए हैं, ठीक है, उन्होंने आपकी वीडियोस को देखा उनको कहते हैं यूनिक व्यूवर्स, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपके जो चैनल पर जो व्यूवर आए हैं वो है 16,300 के करीब, आपको एक महीने में जो है आपके व्यूवर आए हैं आपकी वीडियोज़ देखने के लिए, जो नए व्यूवर आए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं इंगेजमेंट पे, ठीक है, यहाँ पर आप वॉच टाइम जो मैंने आपको बता दिया कि आप वॉच टाइम देख सकते हो एक महीने के अंदर कितना आपको वॉच टाइम मिला है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो भी वीडियो देखी जाती है कितने मिनट तक देखते हैं लोग, तो यहाँ पर 1 मिनट 56 सेकंड में मतलब मैक्सिमम लोग आपकी वीडियोज़ को देखते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, उसके बाद ऑडियंस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर सब पर ना ग्राफ पर क्लिक कर करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप 28 डेज़ का देख सकते हो, 365 डेज़ का भी देख सकते हो, ठीक है। तो सारे ग्राफ पर आप क्लिक करके देख लेना अगर कुछ भी आपको चेक करना हुआ तो। उसके बाद ऑडियंस पर जब हम इंगेजमेंट पर आ गए, उसके बाद ऑडियंस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूनिक व्यूवर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको एक महीने में कितने व्यूवर्स मिले कितने नहीं मिले। उसके बाद थोड़ा सा मैं लेफ्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज व्यूज़ पर व्यू, ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज व्यूज़ पर व्यू कितने टाइम में दिखाता है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर ग्राफ में पता चल जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद सब्सक्राइबर आपको कितना मिला है, जैसे ऑडियंस में अलग अलग हम लेवल करते जाएंगे, जैसे ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस, उसके बाद रेवेन्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जैसे क्लिक करते जाओगे तो वैसे वैसे ग्राफ आपके आते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको बता दिया 28 डेज में यहाँ पर 200 सब्सक्राइबर मिले, उसके बाद रेवेन्यू पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप रेवेन्यू चेक कर सकते हो आपका रेवेन्यू कितना मिला है 28 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो $3.87, ठीक है, और यहाँ पर प्रीव्यूज देख सकते हो 2 डेज प्रोसेसिंग, मतलब कि अभी जो 2 दिन का है वो आपका प्रोसेसिंग में है, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर और यहाँ पर डॉलर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको पूरा देखना तो 365 लास्ट डे का कर देना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया पूरा अच्छे तरीके से, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होने की जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर समझ चुके हैं, मैंने आपको ग्राफ के बारे में अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने रेवेन्यू बताया, उसके बाद यहाँ पर आरपीएम मतलब आपकी वीडियो पर जो कितने व्यू पर कितना डॉलर दे रहा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा आरपीएम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेबैक बेस CPM, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो, $1.36, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये तीनों ग्राफ जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने की जरूरत है, यहाँ पर सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चारों पाँचों चीज़ों मैंने आपको जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आपको YT स्टूडियो ऐसे ही यूज़ करना है, बहुत सिंपल हो गया है, आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर आप बहुत सिंपल तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और आप अपनी इसमें गलती ढूंढ कर अपनी गलती सुधार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ग्राफ बताई, ये सारी चीज़ें ग्राफ में आप लोगों को बताई इसलिए रहा है कि जिससे आप कोई गलती करते हो तो आप सुधार कर सकते हो इस ग्राफ को देख कर। तो समझ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। 95% लोग मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब करो दोस्तों। जेन्युइन वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।